मैम थोड़ा साइड होना, हेलो मैम साइड होना। हाँ जी, मेरा डॉग आया था 18 तारीख को, मैंने बैठे देखे थे सारे बच्चे, उसने वापस कर दिए, एक डॉग नहीं देखी। जो आप कैसे आए? मैं ही अपने डॉग का स्टरलाइजेशन कराने आई हूँ। क्यों? अच्छा, क्या कोई दिक्कत है आपको, परेशानी? किस चीज़ से लेके? यहाँ से सेंटर को लेके? नहीं, एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने मुझे रेफर किया, उसने अपना डॉग का कराया था यहाँ स्टरलाइजेशन, कह रही थी बहुत अच्छे से केयर करी थी, फिर वो डॉग भी लेके गई थी। अच्छा, यहाँ कुछ लोगों को परेशानी हो रही है इसके लिए? आप, वो आपकी जिम्मेदारी है ना, आपका कुत्ता आप MCD वालों को दे रहे हो, आपकी खुद की जिम्मेदारी, आप खुद छोड़ के जाओ, खुद लेके जाओ। MCD वाले नहीं, ये इनका कहना है, ये आ रहे हैं इनको। I'm not talking to you, please. Don't create fuss. MCD वालों को दे रहे हो तो MCD वालों से बात करो, उनसे कनेक्ट करो, इसमें इनका क्या रोल है? आप अपना कुत्ता ऐसे किसी को दे दोगे तो उससे जाके पूछो ना, आपकी जिम्मेदारी। अच्छा, आपका कहना है आपको कोई परेशानी नहीं है? मेरी फ्रेंड ने तो मुझे एक्सपीरियंस बताया है कि इनका, कि इन्होंने बहुत अच्छे से केयर करी, इसलिए मैं आई हूँ अपना डॉगी लेकर कार में खुद। अब बाकी सब अपना ऐसे MCD में किसी को भी दे देते हैं, दैट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो खुद MCD वालों से बात करें। लोग इनके लिए नहीं खोल रहे थे गेट, अब ये आए ये गाड़ी, और इनका कहना है कि ये पैसे लेके जो है काम करते हैं, और अब इनके लिए ये गेट खोला जा रहा है। ये देखें, अब ये लेकर जा रहे हैं अंदर, जहाँ की ये गेट भी नहीं खोल रहे थे, और ये इनको पैसा देके काम कराएंगे। अब ये इनके लिए गेट खोल दिया गया है, ये देखिए इसके अंदर एंट्री हो चुकी है। ये कार भी, ये बताया जा रहा है कि ये कार भी उस मैडम की है जो अंदर, जो मैडम है अंदर बैठी हुई, ये कार भी उन्हीं की है, ये नंबर है गाड़ी का और ये कार है। ये कार बताया जा रहा है कि उसी मैडम की है जो अंदर बैठी हुई है, और वो इन, ये लेडीज़ हैं यहाँ खड़ी हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। इनका एक बच्चा मार दिया गया है कुत्ते का, और कोई सुनवाई नहीं है, और पैसे लेके ये काम करते हैं। देखिए ये लोग जो है बाइट देने के लिए भी तैयार नहीं है, सरकारी अधिकारी आए हुए हैं MCD के दफ्तर के, लेकिन ये हमसे कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। MCD का ऑफिसर जा रहे हैं आगे आगे, हम रोक रहे हैं, उन जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जा रहे हैं, रुक नहीं पा रहे हैं, दरवाजा भी नहीं खोला गया। सर MCD के ऑफिसर तक आए थे, गेट नहीं खुला, तो वो लोग वापस गए हैं ना, अब एक्शन वो लेंगे ना, क्योंकि मैंने तो सिविक सेंटर में भी डायरेक्टर साहब से भी मिल ली हूँ ना, मैं दिए तो वो करेंगे ना, जब वो क्यों नहीं मिलने दे रही मेरे डॉग से। वो लाइए क्या, उस दिन मुझे, जिस दिन मैंने बच्चे भेजे, अगले दिन मुझे कॉल कर, नहीं दोपहर बाद मुझे कॉल करती है, मेरे यहाँ बच्चे क्यों भेजे? मैंने कहा मैंने MCD को दिया ना कि तुम्हें दिए हैं, कहती अभी रोड पे छोड़ूंगी, मैंने कहा छोड़ दे। कह रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट ने उठाया, हाँ, इनको स्वीप नहीं करा, तो मैं बताओ, मैं अभी कॉल करता हूँ इनसे, बोलो अभी, ठीक है सर? अभी सफाई, तीन खेलते, तीन में से एक अभी, दो अभी छोड़ दिया उन्होंने, और जो घर से उठाया हुआ बच्चा था बिना बताए हमें, वो नहीं दिया, वो बच्चा उठा के नहीं दिया अभी तक गोल्डन। आप MCD के कर्मचारी हो? हाँ जी। किस किस पोस्ट पे हो बताइए? मैं DC की गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, तो बताइए क्या मसला है? यहाँ पे जो लोगों की समस्या है, ये बता रहे हैं कि कुत्ता नहीं मिल रहा है, और कुत्ता जो है बच्चा मार दिया जा रहा है, और अंदर एंट्री नहीं की जा रही। और बताओ ना कुछ तो बताओ। नहीं बता रहे हैं, ये अंदर, ये अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, इनकी अंदर एंट्री नहीं हो रही, उसकी वजह क्या है? अंदर एंट्री की टाइमिंग होती है, कभी भी आके एंटर नहीं कर सकते ना, आप किसी भी ऑफिस में कभी भी घुस सकते हो। नहीं, टाइम भी होगा कुछ? हाँ बिल्कुल, इनको बता रखा जी, बताइए आप बता दीजिए। नहीं, अरे मैं बताता हूँ नहीं सर, आपसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसलिए आप जवाब दे रहे हैं, बताइए आप। मैं तो आपको कहानी बताता हूँ जी, बताइए कहानी, बताइए। तोमर जी, तोमर जी कौन है? है ना, हाउ मेनी डॉग्स हैव यू सेंट हियर? मुझे सर हिंदी में बात करना। आपने कितने कुत्ते भेज रखे हैं यहाँ पे? अभी अभी जो, नहीं नहीं नहीं, ओवरऑल अभी 4 आए हैं। ये तो MCD से आए, आपसे नहीं आए? MCD से ही आते हैं मेरे। हाँ बस, तो MCD से आए, तो इनको क्या राइट है अंदर जाके घुसने के लिए? मुझे क्यों नहीं है ये सर, MCD का वो नहीं है, मुझे क्यों राइट? MCD से कनेक्ट नहीं है ये। क्या, कौन कह रहा है आप? ये सेंटर MCD का नहीं है। यस मैं सर, MCD का सेंटर है जी, MCD का सेंटर है। MCD से आया ना, तो उसको MCD से थोड़ा ना है, वो बोल रहे हैं MCD से आते हैं। अरे यार, MCD कुत्ते पकड़ के लाता है। करेक्ट, MCD कुत्ते पकड़ के लाया, इन्होंने आके बोला कि मेरे को देखना उनको, तो वो क्यों? नहीं 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 सर, ये एनिमल्स जो लवर हैं, एनिमल्स लवर हैं, ये प्यार करते हैं, और ये खाना दाना भी देते हैं, तो इनको अंदर जाने के लिए ऐसा क्यों? मेरी बात सुन लो सर, मेरी बात लवर्स है ना वो, सर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, वो ना तो MCD लाई उठा के, MCD हमेशा फोटो बनाती है, गोद में लेकर अपने बच्चे चढ़ाती हूँ, ना कि कैचर डलवाती हूँ, गोद में लेकर चढ़ाए, फीडिंग कराती हूँ, ट्रीटमेंट कराती हूँ, ठीक है, अपनी
कमाई का पैसा लगाती हूँ, कष्ट की कमाई का, जहाँ की फंडिंग करती लोगों से, मेरे बच्चे हैं वो, एमसीडी को गाड़ी कौन देगा, एमसीडी क्या मुझे पैसा देती है कि मैं अपनी कार से छोड़ के भी जाऊँ, अपनी कार से पैसा ये कमाए और कार में मैं छोड़ के जाऊँ और ले कर जाऊँ और पैसा एमसीडी ना दे, तो मैं तो एमसीडी को दूंगी ना, एमसीडी ले कर जाए और छोड़े, जब पैसा ये कमा रहे हैं तो मैं तो गोद में लेकर चढ़ाती हूँ बच्चों को, कैचर नहीं डालती कि तार डालो और चढ़ा दिया, गोद में लेकर चढ़ाती हूँ सारे बच्चों को। सर मैं भी वही बात कह रहा हूँ आपसे, जो ये एनिमल्स लवर हैं तो इनको खाना दाना ये इलाज करवाते हैं, तो इनको आपको क्यों रोका जा रहा है ये बताइए ना आप हमारा। सर आप ऐसे सोच लो कि कोई भी कभी भी किसी भी ऑफिस में नहीं घुस सकता ना। नहीं घुस सकता, लेकिन आप ये बता सकते हैं ना, टाइमिंग बता दीजिए उस टाइम बताया गया है, आप बता दीजिए आप हमें, जब तक सर्जरी अंदर चल रही है आप नहीं जा सकते अंदर। टाइमिंग बताइए आप हमें, टाइमिंग तो बता सकते हैं सर, बता देता हूँ, इनको बताया गया है, आपको टाइमिंग का पता भी नहीं और आप टाइमिंग नहीं, मुझे टाइमिंग का पता नहीं है, तो आप टाइमिंग के लिए भी बोल रहे हैं सर, पर मुझे ये मालूम है कि टाइमिंग है, बहन का बच्चा है और तीन बार मैं आ चुकी हूँ, इन्होंने पहले जब 18 दिन पहले इनका बच्चा मार के दिया था ना, हम रात को 9 बजे लेके गए हैं, वो पूरी मैंने जो इनके स्टाफ ने बदतमीजी करी थी इनके साथ वो अरे ये ना आपको बहका रही, थोड़ा शांत रहो, 18 दिन बाद इनको बुलाया कि आपका बच्चा खत्म है, ठीक है, बच्चा खत्म है और क्या दिया, सर्जरी नहीं हुई बच्चे की, इन्होंने कहा मेरा बच्चा दे दो, हम रात को लेने आए, इनके स्टाफ ने बहुत बदतमीजी करी, उसके बाद बच्चा जब हम लेके गए वहाँ पर जब दबाने लगे देखा तो सर्जरी हुई हुई थी बच्चे की, पूरी वीडियो मेरे पास आज तक है उन बच्चे की। अच्छा मैम ऐसा कब से चल रहा है यहाँ पर, ये देखो ये तो इनको ज्यादा तजर्बा है, ये मैडम आप ये यहाँ पे ऐसा कब से चल रहा है, ये लोग आएंगे, ये सरकारी है, यहाँ पैसे का कोई नहीं है, तो जैसे ये लोग आए ना ये पैसा देंगे और चलेगा, क्योंकि ये एमसीडी का सेल्टर है। अच्छा एमसीडी का है तो ये पैसा लेते हैं यहाँ। हाँ ये पैसा लेते हैं, यहाँ आए तो ये पैसा देंगे ना, और कौन देगा, तो हाँ तो रखेंगे वो पैसे देंगे, पैसा लेके, जबकि अलाउड नहीं है, ये सरकारी है एमसीडी का, हमें भी पता लगा है कि तुम्हें छोड़ना और लेना तुम्हारा काम नहीं, क्योंकि एमसीडी इन्हें पैसा देती है ना, उसका लाने का छोड़ने का इनका चार्ज अलग होता है और जो सर्जरी होती है उसका चार्ज अलग होता है, ठीक है ना, लेकिन वो ये हमारे से लेते हैं, जबकि हमें पता नहीं था ना, हम देते थे, मुझे कहती थी कुत्ता आया है लेके जाएगी, और तो एमसीडी उससे पेमेंट करती है ना, लाने ले जाने का एक्स्ट्रा चार्ज होता है उनका देने का, वो खुद देते हैं। नहीं ठीक है मैडम, यहाँ पे हैं और वो बच्चा नहीं दे रही है, उसका गेट नहीं खोल रही है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, गेट पब्लिकली, आई एम गीता दत्ता। अच्छा ये गेट भी नहीं खोलते? गेट खोलते हैं, पहले खोलते थे, मेरे को कम से कम नहीं 8-10 साल हो चुके हैं यहाँ आते हुए। अच्छा यहाँ से आप 10 साल से जानते हैं इस चीज में, तो ये ऐसा कब से चल रहा है यहाँ पे? ये अभी चलना शुरू है। कितना टाइम हो गया लगभग? हाँ मैं 7 साल पहले बच्चा लेके गई थी, बड़ी मुश्किल से लेके गई थी और अनीता ने मुझे हेल्प करी थी उसको निकालने में, और अब वो बच्चा मैंने अडॉप्ट कर लिया, मेरे घर पे है, ठीक है, बाकी उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, हम आते यहाँ पे 1000 रुपए का खाना भी खिला के जाते हैं, खाना खिला के जाती हूँ मैं। हाँ नहीं खिलाती, वो खुद कहते हैं खाना, वो खाना पूरा नहीं होता, बच्चे जो है ऊपर चढ़ जाते हैं और मेरे को दया आती है, मैं यहाँ मार्केट जाती हूँ वहाँ से दूध ब्रेड खरीद। आपने कोई कंप्लेंट किया थाने में? नहीं नहीं थाने में आपने कंप्लेंट नहीं? वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं लिखेंगे। अच्छा थाने वालों ने मना कर दिया आपको? उन्होंने कहा कुत्तों का हमारा कोई काम नहीं है, उन्होंने सीधी बात ये बोली। अच्छा एमसीडी में कंप्लेंट दिया? गए जी हेड ऑफिस तक गए। वहाँ क्या बोला? उन्होंने बोला हम आएंगे उनको देखेंगे, उन्होंने मना नहीं करा, कार्यवाही करेंगे। उनका स्टाफ आया है कि ये ओनर है उस डॉग की, उन्हें अंदर एंट्री करने दो, उन्होंने अंदर एंट्री नहीं करने दी। फिर हम सिविक सेंटर गए डायरेक्टर साहब के पास, डायरेक्टर साहब ने वहाँ से भी कॉल किया है कि इन्हें एंट्री दो, मेरा स्टाफ आएगा, इसने फिर मना कर दी। मैंने उनसे पूछा सर आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप मुझे मेरे बच्चे से मिलाओ? वो कहते हैं मैडम पावर तो है पर लेकिन वही पुलिस बुलानी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा। जो वहाँ का स्टाफ था सिविक सेंटर का, एमसीडी बहुत बदतमीज औरत है, अकेले वहाँ मत जाना, बहुत बदतमीजी करती है, कहती है अच्छा 4 दिन बैठ बच्चा नहीं दूंगी, ठीक है ना। वो मेल है, मेल का बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है, बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, ठीक है ना, बहुत छोटा सा होता है, पर ये क्या करती है मुझे नहीं पता। हम इनसे कुछ बोल रहे बेलदार हैं तो आप कुछ इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये यहाँ पे आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, वो तो वही बताएंगे जी, मैं बेलदार आदमी, मैं क्या बताऊंगा नहीं, ये
ये लोग जो है ना कुछ बात करना नहीं चाह रहे हैं और ना ही कुछ बताना चाह रहे हैं। इनका ड्राइवर भी हैं जो बेलदार बता रहे हैं अपना आपको, तो ये लोग अंदर की कोई भी ऐसी जानकारी देने को तैयार नहीं है। थैंक यू।